नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 5th और 8th बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद में ये रिजल्ट घोषित हुआ, काफ़ी समय चेंज हुआ। परंतु साथियों, कल के रिजल्ट से एक बात देखने को मिली है कि जो हमने ये RT पोर्टल सॉल्यूशन एंड एजुकेशन नाम से ये जो ग्रुप बना रखा है, उसमें जो भी आप वो सूचनाएं डाल रहे हैं उन पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो। क्योंकि कई साथियों के साथ देखा गया है कि उनका रिजल्ट रोक लिया गया है, उन्होंने सेशनल मार्क्स नहीं चढ़ाए, जबकि इस ग्रुप के अंदर जो हमने ग्रुप बनाया है और वीडियोज के माध्यम से हम बार बार सूचित कर रहे हैं कि सेशनल मार्क्स चढ़ाने हैं, एक्स्ट्रा जो 3 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं उनके भी मार्क्स चढ़ाने हैं, लेकिन कई साथियों ने वो मार्क्स नहीं फिल करे। अब क्या पता उनकी क्या सोच है क्या नहीं है, लेकिन साथियों मेरा ये कहना है कि जो ग्रुप बनाया गया है वो केवल आपके लिए बनाया गया है कि जो हमारे साथी है, स्कूल साथी है, उनकी मदद हो सके और उनका जो भी कार्य है वो समय पर हो सके, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसीलिए हमने ये ग्रुप बनाया है। साथियों, समय किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है, परंतु जो ग्रुप है उसके अंदर कोई भी सूचना है वो आपके लिए ही डाली जाती है। और जब वो सूचना डाली जाती है तो देखा जाता है कि आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हो। पहले ध्यान नहीं देते हो, जो बाद में पता चलता है तो फिर हमें मैसेज करते हो कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, जबकि हमने ऑलरेडी उसका वीडियो बना के आपके पास भेज दिया, ग्रुप में डाल दिया। लेकिन 5 दिन 10 दिन बाद में उन्हीं साथियों के फोन आते हैं, हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर इस चीज़ को कैसे करें, इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। तो साथियों, ऐसी समस्याएं आपके सामने नहीं आए, उसका समाधान सीधा सा यही है कि जैसे आपके पास सूचना डाली जाती है, भेजी जाती है, तो आप तुरंत उस पर अपडेट रहे और तुरंत उस कार्य को संपन्न करें। साथियों, आपके पास हमारा यूट्यूब चैनल है, ये बनाने का सबसे मेन उद्देश्य यही रहा है हमारा कि हमारे जो स्कूल साथी है उनकी मदद समय समय पर होती रहे और जो हमारे पास जो भी जानकारी है उसको हम आप तक पहुँचाएं, हमारे नॉलेज को आप तक पहुँचाएं, ये हमारा टारगेट रहता है। लेकिन कल जो हुआ उसके अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है कि आप लोग चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, कि आपने ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा है लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। साथियों, अब बात रहेगी जिनका रिजल्ट रुक गया उनका क्या होगा। देखो, रिजल्ट सबका आएगा, ज्यादा आपको चिंता करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जिन्होंने नंबर नहीं चढ़ाए हैं, सेशनल मार्क्स नहीं चढ़ाए, उनके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन सरकार द्वारा दिया जाएगा और वो ऑप्शन क्या आएगा जैसे उसकी कोई सूचना आती है तो हम आपको अपडेट करेंगे तुरंत। अब उसमें हो सकता है कि आपको मार्क्स जो है ऑनलाइन चढ़ाने पड़े या फिर हो सकता है कि आपको मार्क्स जो है ऑफलाइन देने पड़े, लेकिन मार्क्स आपसे मांगे जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा, तो उसमें कोई परेशान होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन साथियों, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी आपको सूचना आती है तुरंत आपसे अगर वो जुड़े हुए उनसे भी आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी मदद हो सके और जो इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो दोबारा आपके सामने नहीं आए। देखो साथियों, रिजल्ट ज़्यादा 5th और 8th का उतना मायने नहीं रखता है जितना 10th और 12th का रखता है, लेकिन फिर भी एक बच्चा होता है उस बच्चे के लिए खुशी की बात होती है कि उसका रिजल्ट आया, अच्छा आया, तो वो खुश हो जाता है। उससे क्या होता है, पेरेंट्स भी पैनिक नहीं होते हैं और आपके लिए समस्याओं का मतलब आपके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। जब रिजल्ट रुक गया, आपके पास पेरेंट्स के फोन आते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो गया, तो साथ ही इस प्रकार की समस्याएं जो है वो आपकी जो स्कूल है उसकी रिपुटेशन को डाउन करती है। तो साथियों, मेरा कहना यही है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं तो उसे तुरंत फॉलो करें, उसे अनदेखा नहीं करें, समय निकाले। समय आप ये नहीं सोचे कि मैं बहुत बिजी हूँ, सभी के पास 24 घंटे रहते हैं, मेरे पास भी 24 घंटे, आप लोगों के पास भी 24 घंटे हैं, तो किसी प्रकार की समस्या आगे जाकर न हो, उससे बढ़िया ना उस काम को हम आज ही संपन्न कर लिए। तो मेरा यही निवेदन आप सबसे कि समय पर आप किसी भी प्रकार की कोई सूचना आती है तो उसे तुरंत आप अपडेट करें और अपने साथियों से और स्कूल साथियों से भी आप शेयर करें।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। साथियों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अन्य साथियों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपको लगता है कि हमारी किसी प्रकार से हमने आपकी मदद की है, हेल्प हुई है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।